वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7। मैं आपका स्वागत है। अभी हम जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और इस शेयर को पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या टारगेट हमारे हो सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अब तक कितना रिटर्न दिया ये भी चीज़ें देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के पहले और डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और इसका फायदा आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिल पाए और भविष्य के लिए आप जो है एक अच्छा गोल अचीव कर पाए। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल में देखते हैं तो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर वन का, मतलब ये इस साल का क्वार्टर वन का 2022 का जो रिजल्ट था उसमें देखा जाए दोस्तों, तो उसमें सेगमेंट वन इनका मार्जिन देखा जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर में 13% का मार्जिन बढ़ा था, और केमिकल सेक्टर में बात करें तो वहाँ पे 19% का बढ़ा था। और बात करें फर्टिलाइजर में तो यहाँ पे अचीव किया था हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एनपीके प्रोडक्शन, जो कि आपका यूज होता है क्रॉप्स में, यानी खेती में यूज होता है, इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड क्या, तो ये है स्पेशलिटी फर्टिलाइजर आल्सो ग्रे सिग्निफिकेंटली। तो पता है कि आपका इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल जो है एक देश है, और यहाँ पे जो है खेती पर बहुत का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा है, और लोग जो है सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो खेती भी करते हैं। तो वहाँ पे जो है खाद का डिमांड जो है काफ़ी अच्छा बढ़ा है, और खास करके एनपीके का। बात करें केमिकल सेक्टर का तो यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव जो एक्सक्लूसिव यूज करते हैं वहाँ पे जो है ये ओनली मैन्युफैक्चरर है इस तरह के 10 का। और बात करें इसमें ईयर ईयर में अच्छा खासा वॉल्यूम इम्प्रूव्ड हुआ है। और देख बात करें दोस्तों इसका FY Q1 के रिजल्ट के आधार पर देखें तो इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो बढ़ा था 24% के लगभग, और ऑपरेटिंग एबिटा देखा जाए तो 105% बढ़ा था, और नेट प्रॉफिट जो है वो फोरफोल्ड हुआ था लगभग 356.6% बढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंक्रीजिंग थी, और फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस हुआ था 22% ईयर एंड ईयर बेसिस पे। और बात करें रिवर्स क्वार्टरली रिजल्ट दिया था इसने, और ये सारी चीज़ें जो है लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि ये सीजन होता है इसमें जो है खाद का डिमांड यानी फर्टिलाइजर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, और वो उधर चाइना का जो प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें, तो सप्लाई जो है तो इंपोर्ट जो हो रहा है चूंकि यहाँ पर कमी है, तो वो चीज़ को भी यहाँ पे ग्रोथ एक आने की संभावना है। अब बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सिनर्जिक मॉडल का और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का, जो कि इसको ग्रोथ को बढ़ाता है। तो वहाँ पे बात कर ले एबिटा, देखिए जो CAGR है यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है एबिटा का, तो वहाँ पर देखिए आपका ऑपरेटिंग ऑबिटा जो है 25.1% के CAGR से बढ़ रहा है, वहीं पर एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 800 basis points से के हिसाब से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखिए अच्छा खासा जो है बढ़ा है, 1902 करोड़ का रहा है। बात करें ये काम कहाँ कहाँ करता है और किस चीज़ में करता है, तो देखिए नेचुरल गैस से क्या मिलता है आपको, मिलता है अमोनिया और मिथेन और NPK2 और CNA1 और SN, इससे बनता है SNA। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये इस कंपनी बनाती है, और इसका ये रिवेन्यू मतलब इसका ये प्रोडक्शन मॉडल है जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ को बनाए रखता है। अब बात कर ले क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड का, तो देखा जाए यहाँ पे 15% के हिसाब से 15.6% जो है इसका रिवेन्यू ग्रो हुआ है कंपेयर टू क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अब बात करें सेगमेंट प्रॉफिट का तो वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है तो 200 FY 20 लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। और बात कर लेना रिवेन्यू का तो यहाँ पे बढ़ा है 66.6% के हिसाब से, और बात कर सेगमेंट प्रॉफिट वो अच्छा खासा बढ़ा है 3-4 fold के लगभग। और बात कर लें इनको ऑपरेटिंग हाईलाइट का तो वहाँ पे 7th consecutive क्वार्टर में ये प्रॉफिट में रहा है ये फर्टिलाइजर सेक्टर जो है, और अचीव किया हाइएस्ट एवर क्वार्टरली ANP NPN के, और इसमें जो सॉल्ट किया है जो बेचा है वो 1.31 lakh metric ton सेल्स डिफ्रेंशिएटेड NPK इन्होंने किया है, और प्रोडक्ट जो कि ईयर एंड ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 39% ईयर एंड ईयर बेसिस पे जो कि बढ़ोतरी है, और सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क फर्टिलाइजर जो ग्रो हुआ है वो 25% ईयर एंड ईयर पे हुआ है, और सेल्स ट्रेड देखा जाए दोस्तों यहाँ पे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का 27 किलो टन का यहाँ पर देखा जाए 808% ईयर एंड ईयर बेसिस पे एंड 42% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, और शार्प इंक्रीज हुआ है RM प्राइस में। और बात करें ईयर एंड ईयर बेसिस पे क्यून में अमोनिया अप हुआ है 102% ऑफ फॉस एसिड जो कि 49% का अप देखने को मिला है, MOP में 7% का अप देखने को मिला है।
तो ये सारी चीज़ों की जनरेटर थे जो कि इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट किया था क्वार्टर वन में। और स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखा जाए तो इन्होंने इंक्रीज किया है एनबीएस सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन कंजप्शन का मोमेंटम। तो जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है इससे क्या हो रहा, कंजप्शन जो है मोमेंटम बना हुआ है किसानों में। और न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी जो अप्रूव्ड हुआ है रिसीव्ड बाय द क्रॉप स्पेसिफिक ग्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंपनी प्लान टू इंट्रोड्यूस क्रॉप स्पेसिफिक ग्रेड इन अपकमिंग रबी सीजन, जो आने वाला रबी सीजन है। तो यहाँ बात करें कंसिडरिंग कंपनीज फोकस क्रॉप आर कॉटन सोयाबीन पैडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड सेलियंस। जो दीपक फर्टिलाइजर है एक्सपेक्ट कर रहा है गुड डिमांड फॉर द महाधन ब्रांड जो है इसका है खरीफ सीजन के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज के एनपीए का 92% जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग लगभग 100% के आसपास ये जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और 10 का वॉल्यूम जो ग्रो हुआ है 11% का हुआ था। और डिमांड जो है एलडीएन का इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर वन में 22 में कंपेयर टू क्वार्टर वन 20 लास्ट क्वार्टर से। और हाउएवर डिमांड जो है कंटिन्यू रहेगा सब्ड्यूड कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल्स। और वहीं पर साथ में इंक्रीज हुआ है कि आरएम प्राइस में ईयर एन ईयर बेसिस पे। और आउटलुक देखा जाए तो यहाँ पे ऑन गोइंग सपोर्ट है हाई क्वालिटी एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट थ्रू माइनिंग। एंड जो माइनिंग के एक्टिविटीज जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है एक्सप्लोजन के लिए तो वो जो है उसका डिमांड बढ़ा है। और उसको जो है कंटिन्यू जो है इसमें एक नंबर वन प्लेयर है, मतलब ओनली प्लेयर है जो कि ये काम करता है। और बात करें विथ द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीजिंग टेन डिमांड एंड ट्रेंड दैट इज लाइकली टू बी सस्टेन, मतलब फ्यूचर में सस्टेन होगा। और 10 का डिमांड है 103% जो है बढ़ा है एंड डबल हो गया है। और केमिकल आईपीए एंड एनए का देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेल जो है बढ़ा है अच्छा खासा, जो 283 से 318 हो गया है। और नाइट्रिक एसिड का देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी 143 रहा है। और यहाँ पे जो है आईपीए का डिमांड जो है वो 93% बढ़ा है। और एसिड का देखा जाए तो 86% बढ़ा है दोस्तों। तो यहीं पर और बात कर ले दोस्तों इनका जो है ओनली 8.7 मिलियन शेयर जो है इनका प्लेज है, यानी 15% शेयर जो है इनका प्लेज है। और बाकी जो है प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग देखा जाए तो 53.06% का है। तो ये चीज़ें थी जो दोस्तों फंडामेंटल बेसिस पे। अब बात कर ले थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे देख लिया जाए तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अभी जो ये ट्रेड कर रहा है एक लेवल ऐसा क्रॉस किया है जहाँ से हमें लगता है कि एक अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो लेवल है ये लेवल जो है अभी जो क्लोजिंग बेसिस पे 440 का लेवल जो है, बात कर ले ये जो आप यहाँ से देखें तो ये जो लेवल हुआ करता था आपका, देखिए ये लेवल कंटिन्यू जो है आप देखिए 11 जून से यदि इसको हम लोग देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लेवल 12 अगस्त का था। 12 अगस्त के बाद एक बार तोड़ा था 13-17 अगस्त को, इसके बाद से नीचे आया था। और यदि बात करें 12 अगस्त से 12 सितंबर यानी 2 महीने तक इस लेवल को टच नहीं किया है, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया है। आज के डेट में देखिए इसके ऊपर जो है क्लोजिंग देना, ये जो है एवरेज देखा जाए तो ये लगभग लगभग 130 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा था और इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है। तो यहाँ से जो है अब जो है आपका सपोर्ट जो होगा 430 का होगा, 430 का यानी 430 का या 420 का, मैक्सिमम 420 रखिएगा, 420 का आप क्या करेंगे एक स्टॉप लॉस लेके इसमें जो है एक पोजीशन बनाया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में यदि स्टॉप लॉस लेना हो दोस्तों तो मैं बता रहा हूँ 380 का पोजीशन लेके लॉन्ग टर्म में इसको जो है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज या एक साल के लिए इसमें बनाया जा सकता है। एक साल में अच्छा खासा प्राइस इसमें देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 से 3 महीने में आपको अच्छा प्राइस मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ से आपका यदि ये शेयर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा। देखिए नेक्स्ट लेवल दोस्तों आपका जो बनता है नेक्स्ट लेवल वो होगा 469 का। फर्स्ट लेवल जो होगा 469 का, यहां से 30 रुपीज का आप देखने को मिलेगा। और यदि ये शेयर आपको 486 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है और इसको क्रॉस कर जाता है 493 को और उसके ऊपर क्लोजिंग 486 से 93 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से आपको मान के चल सकते हैं जैसा कि उछाल यहाँ पे आपको मिला था इस लेवल पे, यानी 310 से आपको एक उछाल मिला था 474 का, तो इस तरह का उछाल यहाँ से जो है मिल सकता है। यानी ये शेयर जो है 540 से 600 रुपये को टच कर सकता है आने वाले सीजन में, ये मेरा मानना है। अब बाकी चाल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर 20 में नवंबर 20 में आपको ये 135 पे मिल रहा था और उसके बाद देखा जाए तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। और 165 के लेवल पे इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था, जिस तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था तो वहाँ पे करने के बाद देखिए ये जो लेवल निकला है तो इसके बाद देखिए इसमें
एक अच्छा जंप देखने को मिला है, सीधा जो है आप देखिए 246 का लेवल जो है थोड़ा सा बीच में यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया था, और उसके बाद जो है आपको लेवल मिला था 1247 का, तो कहाँ से मिला था 169 170 से 246 से, मतलब लगभग लगभग आपको 70 रुपये का उछाल मिला था। और यहाँ पे कॉन्सोलिडेट इस लेवल को जब इसने तोड़ा है, या क्लियरली बात करें इस क्लोजिंग लेवल को 268 के लेवल को तोड़ा है, तो फिर ये एक जो है अच्छा उछाल दिया और 3939 के लेवल पे इसने कंटिन्यू किया। और यहाँ से देखा जाए तो फिर एक फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में इसने जो है 470 मतलब 52 वीक हाई जो लगा था वो जून में लगा था। तो जून की देखा जाए तो जून आपका जुलाई चला गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ चुका है, यानी 4 महीने हो गया है, और क्वार्टर टू का रिजल्ट भी इसमें हो सकता है कि अच्छा है। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है ये चीज़ जो है ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से ये शेयर जो है यहाँ से 100 से 150 रुपये का अप मूव दिखा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है ये हमें बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपना एक डिसीजन लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई पूछ के नहीं कोई काम कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।